दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो दोस्तों गरीबों का बिजनेस आइडिया है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना और वीडियो के टाइटल और थंबनेल में भी आपने सही देखा है। आप किस प्रकार से बिना पैसे के ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं वो सारा प्रोसेस दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप बिना पैसे के कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। गरीबों वाला बिजनेस ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि आप बिना पैसे के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए वो है तो दोस्तों आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है और वो सच में पैसा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। किस प्रकार से पैसा कमा सकते हैं वो सारा तरीका दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको काम करना है, क्या काम है वो भी सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यदि दोस्तों आपके अंदर शर्म है तो फिर दोस्तों आप इस दुनिया में कुछ भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि जिन लोगों ने शर्म की है वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और जिन लोगों ने शर्म नहीं की है अपने काम को लेके, कोई भी काम हो चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, वो लोग आज की डेट में बहुत आगे निकल चुके हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि उन लोगों ने किस स्तर से अपना काम किया है और आज वो किस लेवल पे खड़े हैं, और आपके आस पड़ोस में भी दो चार लोग ऐसे मिल जाएंगे कि उन्होंने स्टार्टिंग में क्या काम किया था और आज उनका कितना बड़ा कारोबार है। जैसे कि दोस्तों एक एग्जाम्पल ही ले लो, मुकेश अंबानी शुरू स्टार्टिंग में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे, लेकिन आज एशिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। यदि दोस्तों वो पेट्रोल पंप पे नौकरी करने से पहले शर्म करते कि नहीं मैं इस काम को नहीं करूंगा, तो क्या आज वो इस लेवल पे खड़े होते? नहीं खड़े होते। तो वही दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, यदि आप किसी भी काम को लेके शर्म करते हैं कि मेरे को इस काम को करने में शर्म लगेगी, तो दोस्तों फिर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। बस दोस्तों आपका काम लीगल होना चाहिए, चाहे आपका काम किसी भी प्रकार का हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस सिर्फ आपको शर्म हटाकर एक तरफ को रख देनी है। यदि आप शर्म को एक साइड में रख देंगे उठा के, तो दोस्तों आप कभी सोच नहीं सकते, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों YouTube पे बहुत सारे लोगों की आपको स्टोरी मिल जाएगी कि उन्होंने शुरू स्टार्टिंग में किस लेवल से काम स्टार्ट किया था और आज वो किस लेवल पे खड़े हैं। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई भी हैं जिन लोगों की शुरू स्टार्टिंग में मजाक बनी, उनके काम को लेके उनके अड़ोस पड़ोस वाले जान पहचान वाले उनको शुरू स्टार्टिंग में बोलते थे ये पागल हो गया है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो बस सीधी उल्टी सीधी वीडियो बनाता रहता है। लेकिन आज वही लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं और बहुत अच्छे से उन लोगों से बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह लड़का आज YouTube के माध्यम से बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। जो लोग शुरू स्टार्टिंग में आपकी मजाक बनाएंगे वही लोग बाद में आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपकी चर्चाएं करेंगे कि वो लड़का इतना पैसा कमाता है या वो व्यक्ति इतना पैसा कमाता है। क्योंकि दोस्तों ये दुनिया की परंपरा है, कोई भी काम स्टार्ट हम करते हैं तो लोग बाग हमारी मजाक बनाते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग जो भी आपके होते हैं वो आपकी मजाक बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये परंपरा है, परंपरा चली आई है और आगे चलती रहेगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको यदि आप अपने काम को लेके सीरियस हैं, सच में पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है आप लोगों के लिए। आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, इस बिजनेस आइडिया से दोस्तों आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों शुरू स्टार्टिंग से आपको कैसे करना है और मैं आपको एक कंपनी बनाने तक का सफर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी एक कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं और कंपनी के माध्यम से दोस्तों आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। शुरू स्टार्टिंग में आपको खुद ये काम करना है और धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार से एक कंपनी खड़ा कर सकते हैं। बस आपको शर्म नहीं करनी है अपने काम को लेके, चाहे दोस्तों काम किसी भी प्रकार का हो, चाहे छोटे लेवल का काम हो चाहे बड़े लेवल का काम हो, बस आपका लीगल काम होना चाहिए, चाहे आपका काम कितना भी छोटा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस लीगल होना चाहिए। मैं आपको बार बार यही कहूंगा कि आपका जो भी आप काम करना चाहते हैं बस आपका काम लीगल हो, जिससे कि दोस्तों आपको भविष्य में कोई परेशानी ना पड़े। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है YouTube पे आपको बहुत सारी स्टोरियां मिल जाएंगी लोगों की कि उन लोगों ने कहां से स्टार्ट किया बिजनेस को और किस प्रकार से उन्होंने अपने बिजनेस को हैंडल किया और अपनी शर्म को उन्होंने हटा के रख दिया, और शर्म को हटाने के बावजूद ही वो अपना काम कर पाए, और यदि वो शर्म नहीं हटाते तो फिर वो अपना काम नहीं कर पाते और आज किस लेवल पर वो खड़े हैं, तो इस लेवल पर भी वो लोग नहीं होते। तो देर ना करके वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बिजनेस आइडिया है, क्या सफर रहेगा इस बिजनेस में आपका, मैं दोस्तों आपको जीरो से लेके कंपनी के सफर तक का बिजनेस आइडिया बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने जीरो से स्टार्ट करके
एक कंपनी बना सकते हैं, कंपनी वो सारा तरीका दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बिजनेस आइडिया है कार वॉशिंग का, कार वॉशिंग का दोस्तों आपको काम करना है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आपने किस प्रकार का काम बता दिया, तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ये गरीब लोगों का बिजनेस आइडिया है। यदि आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए वो है और आप अच्छे खासे लेवल पे हैं तो दोस्तों आपके लिए बिजनेस आइडिया नहीं है, ये मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों का बिजनेस आइडिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है। जैसे मैंने बताया कि कार वॉशिंग का आपको काम करना है, कार आप सोचने लगे होंगे कि हमको कार वॉशिंग स्टैंड बनाना होगा, उसमें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होगा। तो दोस्तों मैं आपको कार वॉशिंग स्टैंड के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप पूरी मेरी बात सुने बाद ही आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, किस प्रकार का बिजनेस है, किस प्रकार से आपको करना है। आपको दोस्तों कोई भी वॉशिंग स्टैंड की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको इसमें कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, ये मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया है। चाहे आप शहर से हैं, चाहे गांव से हैं और गरीब हैं, तो दोस्तों आपके आस पड़ोस में कोई सिटी होगी, कोई बड़ी सिटी होगी या छोटी सिटी होगी। यदि आप गाँव से हैं तो आपके गाँव से 30-40 किलोमीटर कोई शहर होगा आपका, उस शहर में दोस्तों आपको बड़े बड़े अपार्टमेंट देखने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखनी है जहाँ पे बहुत अच्छे खासे पैसे वाले लोग रहते हैं, काफी अमीर लोग रहते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों आपको जाके देखना है और वहाँ पे संपर्क करना है उन लोगों से कि सर मैं कार वॉशिंग का काम करता हूँ, यदि आपको अपनी कार वॉशिंग करानी है तो मैं कर सकता हूँ। कार वॉशिंग का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आपको कार पानी से धोनी है, सिर्फ आपको उस कार पे कपड़ा मारना है, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को ड्यूटी जाना होता है। तो दोस्तों जब वो तैयार होकर आते हैं तो जब कपड़ा वो अपनी गाड़ी पे मारते हैं तो उनकी जो ड्रेस होती है या जो भी कपड़ा होता है तो वो कपड़े उनके गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए वो उनके दिमाग में बार बार आता है कि कोई व्यक्ति मेरी गाड़ी पे कपड़ा मारने के लिए मिल जाए 1000-1200 रुपए में, तो मैं मंथली उसका 1000-1200 रुपए पे कर दूंगा और मेरी ये समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों उनको 1000-1200 रुपए महीने में देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो बहुत अमीर लोग होते हैं तो उनको 1000-1200 रुपए देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। उन लोगों से बात करनी है कि सर मैं डेली आपकी गाड़ी पे कपड़ा मारूंगा और हफ्ते में एक दिन अंदर से भी गाड़ी को साफ करूंगा और डेली जो है बाहर से आपकी गाड़ी को साफ करूंगा, और 1000 रुपए या 1200 रुपए जो भी आपका उनसे तय हो जाता है उस प्रकार से आपको डील कर लेनी है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एक गाड़ी का 1000-1200 रुपए तो बहुत कम है, महीने में 1000-1200 रुपए तो बहुत कम है, इसमें हमारा कैसे खर्चा चलेगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ एक ही गाड़ी साफ नहीं करनी है, जब जब आप किसी बिल्डिंग में गए हैं, किसी बड़े अपार्टमेंट में गए हैं या किसी बड़ी कॉलोनी में गए हैं जहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हैं, तो वो दोस्तों वहाँ पे एक कार नहीं होती है, तो दोस्तों वहाँ पे सैकड़ों कारें होती हैं और आपको सभी कार मालिक से बात कर लेनी है, क्योंकि आपको 50% से अधिक लोग कार वाले वहाँ पे मिल जाएंगे जो कि 1000-1200 रुपए बहुत आसान तरीके से आपको दे देंगे पूरे महीने की गाड़ी को साफ करने का। तो दोस्तों आपको 30-40 गाड़ी के मालिक लोगों से आपको बात कर लेनी है कि इसकी महीना 1000 रुपए या 1200 रुपए में साफ कर दूंगा और हफ्ते में एक बार अंदर से भी साफ करूंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको उन लोगों से डील करनी है। इस प्रकार से दोस्तों आपको 30 गाड़ियां भी मिल गई और आपने प्रति गाड़ी मालिक से 1000 रुपए लिए, तो दोस्तों आपका एक महीने में 30,000 रुपए होता है, जो कि दोस्तों अच्छी खासी इनकम होती है। यदि दोस्तों आपने शर्म हटाई और शर्म हटाने के बाद इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि आप 30,000 से 40,000 रुपए बहुत आसान तरीके से दोस्तों इस बिजनेस को कर कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अमीर लोग 1000-1200 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है उन लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों जब वो लाखों रुपए महीने में कमाते हैं, लाखों से ऊपर भी कमाते हैं, तो उनको 1000-1200 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको करना है, आप दोस्तों 30,000 से 40,000 रुपए बहुत आसान तरीके से कमा सकते हैं। अब दोस्तों आपको सिर्फ यहीं पे नहीं रुकना है कि आपको 30-40 गाड़ियां मिल गई और आपने अपना काम बस यहीं तक सीमित रखा, आपको अपना काम आगे भी बढ़ाना है। मैंने जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मैं आपको एक कंपनी तक का सफर बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं इस काम को लेके। दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल होगा कि सर एक ही बिल्डिंग में या एक ही अपार्टमेंट में या एक ही कॉलोनी में हमको 30 से 40 गाड़ी नहीं मिली, तब फिर हम इस कंडीशन में क्या करेंगे। तो आपको एक ही कॉलोनी में, एक ही अपार्टमेंट में सीमित नहीं रहना है, आपको अड़ोस पड़ोस में भी और भी कॉलोनी देखनी है, और भी अपार्टमेंट देखने हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप सभी अपार्टमेंट में ट्राई करें और वहां पे दोस्तों अपना काम लें और लोगों से संपर्क करें। कुछ जगह दोस्तों आपको ये भी परेशानी आएगी, जैसे कि दोस्तों आपको पता है आपकी सिटी में बड़ी बड़ी कॉलोनियां होती हैं या बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं, वहां पे दोस्तों मेन गेट पे सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड आपको एंट्री नहीं देगा किसी भी कीमत पे, आपको सिक्योरिटी गार्ड एंट्री नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों कुछ जगह रूल्स होते हैं कि बाहरी व्यक्ति को
कॉलोनी के अंदर या अपार्टमेंट के अंदर एंट्री ना दी जाए। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आप निराश हो जाएं कि हमको जब एंट्री नहीं मिलेगी तो फिर हमको काम कैसे मिलेगा। वो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको उस कॉलोनी से भी काम लेना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बड़ा सा बोर्ड बनाना है, एक गत्ते का आपको बोर्ड बनाना है और उस बोर्ड पे लिख दें कि मैं 1000 रुपए में आपकी प्रति महीने गाड़ी साफ करूंगा, हफ्ते में एक बार अंदर से भी साफ करूंगा। यदि आपको अपनी गाड़ी साफ करानी है तो संपर्क करें, उस पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देना है। तो वहां पे दोस्तों आप मेन गेट पे खड़े हो जाए, तो जब दोस्तों वहां पे लोग निकलेंगे वहां से अपनी ड्यूटी के लिए, ऑफिस के लिए, जो भी आप वहां पे खड़े होंगे तो आपके बोर्ड पे उन लोगों का ध्यान जाएगा, तो वो लोग आपसे जरूर संपर्क करेंगे क्योंकि उन लोगों को इस प्रकार के व्यक्ति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो वो लोग आपसे संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद फिर दोस्तों आपकी इस कॉलोनी में अपार्टमेंट में एंट्री हो जाएगी, क्योंकि वो गार्ड से बोल देंगे, सिक्योरिटी गार्ड से बोल देंगे कि ये व्यक्ति मेरे यहाँ पे काम करने आएगा, मेरी गाड़ी को साफ करने आएगा, इसकी एंट्री कर दी जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको वहां से काम मिल जाएगा। और दोस्तों शुरू स्टार्टिंग में आपकी एंट्री नहीं कर रहा था गार्ड, तो वो भी सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको उस कॉलोनी में एंट्री लेनी है। आप सपोज करिए आपको 40 गाड़ियों का काम मिल गया है लेकिन एक कॉलोनी में काम नहीं मिला है, 2 से 3 कॉलोनी में काम मिला है, मन में सवाल होगा कि उस काम को मैं कैसे हैंडल करूंगा, किस प्रकार से मेरे को वो काम करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको, आपको एक लिस्ट बनानी है। तो जैसे कि आपको पता है कि सारे लोग एक ही टाइम पे ड्यूटी नहीं जाते हैं, कुछ लोग 8 बजे जाते हैं, कुछ 9 बजे जाते हैं, कुछ 10 बजे जाते हैं, कुछ 11 बजे जाते हैं, कोई व्यापारी होता है तो वो 12 बजे के समथिंग जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सारे लोगों की लिस्ट बनानी है, कौन व्यक्ति किस टाइम जाता है, उसी के हिसाब से दोस्तों आपको मैनेज करना है। कोई व्यक्ति 8 बजे जाता है तो सबसे पहले आपको 8 बजे वाले की गाड़ी को साफ करना है, उसके बाद 9 बजे वाले को करना है, उसके बाद 10 बजे वाले को करना है, उसके बाद 12 बजे कोई व्यक्ति जाता है तो उसके बाद 12 वाले को साफ करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मैनेज करना है। आप 2 से 3 कॉलोनी दोस्तों आप बहुत आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपको ज्यादा दूर की कॉलोनियों को नहीं देखना है शुरू स्टार्टिंग में, आपको नजदीक वाली कॉलोनी, नजदीक वाले अपार्टमेंट को ही देखना है, क्योंकि 6 बजे आप घर से निकलेंगे, 7 बजे वहां पे पहुंच जाएंगे, 7 बजे से आपको अपना काम स्टार्ट करना है, 12 बजे तक आपका काम का लास्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप 30 से 40 हजार रुपये बहुत आसान तरीके से इस बिजनेस आइडिया से कमा सकते हैं। ये तो सारा तरीका रहा कि आपको किस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है, किस प्रकार से आपको काम लेना है, ये सारा तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ ये जानकारी दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी खुद की कंपनी कैसे बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको 30 से 40 गाड़ियां तो आप खुद ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अब आपको अपनी एक कंपनी बनानी है। आपको 30 से 40 से अधिक गाड़ियों का काम मिलता है तो फिर दोस्तों आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, फिर उसको आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको करना क्या है, आपको एक लड़का हायर कर लेना है, 10 से 15 हजार रुपये में कोई भी लड़का आपको मिल जाएगा। आप अपने गाँव में किसी भी लड़के से बातचीत करें, उसको रेडी करें और उसको भी काम पे लेके आए। अब आपको 50 गाड़ियों का काम मिल गया है तो आप 20 गाड़ियों का काम स्वयं करें और 30 गाड़ियों का काम उस लड़के से कराएं। उसको भी लिस्ट बना के दे देनी है और कॉलोनी बता देना है कि आपको इस कॉलोनी में जाना है और शुरू स्टार्टिंग में ये गाड़ियां तैयार करनी है, जिससे कि जो शुरू स्टार्टिंग में जाता है उसकी शुरू स्टार्टिंग में गाड़ी को तैयार कर दिया जाए। बीच बीच में दोस्तों आप जो भी आपके कस्टमर है उनसे फीडबैक भी ले लेना है कि दोस्तों फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। यदि आप फीडबैक नहीं लेंगे तो फिर दोस्तों आपका काम बंद हो जाएगा, क्योंकि फीडबैक बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस को करने के लिए। यदि आपकी कोई शिकायत आती है तो आप उस लड़के से शिकायत करें और उससे कहें कि आपके काम में शिकायत आ रही है। इस प्रकार से दोस्तों आपको फीडबैक लेना है, फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों बस आपको यहीं पर सीमित नहीं रहना है कि आपको 50 गाड़ियों का काम मिलेगा अब बस आपको यहीं पर रुक जाना है, नहीं, आपको यहाँ पर नहीं, आपको एक अपनी बहुत बड़ी कंपनी बनानी है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में सिटी है, बड़ी बड़ी सिटी है, बड़ी बड़ी कॉलोनी है, बड़े बड़े अपार्टमेंट है, वहां पे भी लोगों से संपर्क करना है और उनसे बताना है कि सर मैं 1000 से 1200 रुपये प्रति महीना चार्ज लेता हूं और आपकी गाड़ी को डेली साफ करूंगा। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस प्रकार से दोस्तों आपको अड़ोस पड़ोस के सिटी में भी काम लेना है और वहां पे लड़कों को हायर करना है। इस प्रकार से दोस्तों आप 10 से 15 लड़कों को काम दिला सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपको और भी बड़े स्तर तक अपना काम करना है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज का विशेष कर ध्यान रखना है, बीच बीच में दोस्तों गाड़ी मालिक से फीडबैक जरूर लेना है। फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी कंपनी में कुछ लड़के ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि दोस्तों काम करने में मक्कारी करते हैं, काम गलत कर देते हैं, उल्टा सीधा काम कर देते हैं, तो आपके कस्टमर आपसे टूट जाएंगे, आपसे काम नहीं कराएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे पैसे बिना फालतू के बेकार जा रहे हैं, गाड़ी अच्छे से साफ नहीं होती है। तो इसीलिए दोस्तों आपको फीडबैक लेना है और जिस भी लड़के की शिकायत आए उस लड़के से फिर आपको बात करनी है कि आपके काम में शिकायत आ रही है, ऐसा नहीं करना है। वह अपनी गलती को सुधारता है तब तो सही है, और अपनी गलती को नहीं सुधारता है आपको अपनी कंपनी से उस लड़के को निकाल देना है, उसकी जगह दूसरा लड़का आपको रख लेना है। इसलिए फीडबैक बहुत जरूरी है दोस्तों इस काम में। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कर सकते हैं।
यदि आपके अंदर शर्म नहीं है तो आप इस काम को कर सकते हैं। गरीब लोगों का बिजनेस है, कोई भी पैसा आपका इसमें इन्वेस्ट नहीं होने वाला है। आप जीरो पैसे से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और दोस्तों आप कल्पना नहीं करेंगे कि आप इसमें कितना पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आपके अंडर में 10 लड़के भी काम करते हैं और प्रति लड़का 40,000 रुपए का काम करता है, 10 लड़कों के दोस्तों 4,00,000 रुपए हो जाते हैं, जिसमें दोस्तों आप क्या करते हैं, आपका कुछ भी इन्वेस्ट नहीं होता है। मान लीजिए 15,000 रुपए भी प्रति लड़के के हिसाब से देते हैं आप, तो 1,50,000 रुपए दे देते हैं दोस्तों, आपको फिर 2,50,000 रुपए बन जाता है। और तो शुरू स्टार्टिंग में दोस्तों आपने खुद काम किया है, फिर बाद में आप लड़कों से काम कराना स्टार्ट कर दिए हैं। जब दोस्तों आपके अंडर में 10 से 15 लड़के काम करेंगे, आपको खुद काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लड़कों से काम कराना है। आपको अपने काम को मैनेज करना है, देखभाल करनी है, लड़कों को देखना है कि किस प्रकार से लड़के काम कर रहे हैं, फीडबैक लेना है कस्टमर। लास्ट में दोस्तों आपको खुद को काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैनेज करना है, नए नए काम पकड़ना है, नई नई बिल्डिंगों में जाके आपको संपर्क करना है, नई नई नए अपार्टमेंट में जाके आपको काम लेना है, नई नई कॉलोनी में जाके आपको काम लेना है, और सिर्फ दोस्तों बाद में आपको मैनेज करने का ही काम रह जाता है। दोस्तों इस प्रकार का बिजनेस अभी छोटे छोटे शहरों में नहीं चल रहा है, बड़े बड़े सिटियों में तो बहुत ज्यादा इस प्रकार का बिजनेस पॉपुलर है और बहुत ज्यादा पैसा लोग कमाते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस आइडिया से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने जीवन का सफर, जो कि दोस्तों आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया यही था, आशा करता हूँ ये बिजनेस आइडिया आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। यदि दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद नहीं आया तो इस वीडियो को इग्नोर कर दें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत।